ऋषिकेश पहुंचे साढ़े छह बजे सुबह 8 बजे के चले हुए। प्रीति ने भेजी दाल, करेली की सब्जी, रोटी खा गए। अभी चावल बनाएंगे। अभी दिया की ना एक दो दिन की छुट्टी है तो मैं दिया को बाहर भेज देती हूँ बारिश में। वो कह रही थी कि मम्मी उधर की साइड ना परमार्थ निकेतन की साइड उधर बहुत ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है, दूर से दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा चली जाती, तो बोल रही मैं नहीं जाती। और मौसम आप देख रहे हो कैसा हो रहा है। और आज मम्मी पापा को आना है और यहाँ तो सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश है। ये देखो, वो देखो सामने हमारी। बाय 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 बाय। और मेरी बालकनी ना थोड़ी चमक गई, अभी ढंग से हो नहीं पाया क्योंकि बारिश आ रही ना, इधर से रह गया था, बहुत गंदा लगता था ये। तो अब ये कम से कम साफ सुथरी चमक गई है। अंकित के साथ ना दिया जाएगी लेने के लिए, मम्मी और को गाड़ी में, मैंने अंकित को बोला है। तो दिया चली जाएगी और वो वहाँ पे भद्रकाली से होते हुए जाना पड़ेगा। अभी तो मम्मी का फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन किया था तो वो जैसे हम एक बार हरिद्वार से आते हुए जाम में फंसे थे ना, तो मम्मी कह रही इतना ज़बरदस्त जाम है, इतना जाम है कि बता नहीं सकती हैं, मतलब जाम में फंसे हुए हैं। तो पहले तो कह रही थी 1 बजे तक पहुँचूँगी, लेकिन अब लग नहीं रहा उनको कि जल्दी पहुँचूँगा। पीछे ये देखो भगवान जी ने कैसे टाइम मेरा पैर तो घुमा दिया जब मुझे। और आज तो रश कम लग रहा है, अभी तो गाड़ी में ही लेके पापा और मम्मी दोनों ही आ रहे हैं ना। मम्मी से मेरी बात हुई, सुबह 8 बजे की चल रही है और अभी 3:30 बजे पहुँची नहीं है। और बोल रही है कि यहाँ पे गाड़ी ना बड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, बोल रही है कि 6:30 बजे तो हरिद्वार पहुँचेगी। आप लगाओ कि मेरठ तक तो वो बहुत जल्दी आ गए थे, लेकिन उसके बाद जो यहाँ जाम में फंसे हैं ना बहुत तगड़े तरीके से, और वो बुज़ुर्गों को कितनी परेशानी हो रही होगी ये सोच लो। कितना मतलब सुबह 8 बजे के चले हुए, शाम को 6:30 बजे बोल रहे हैं कि हरिद्वार पहुँचेंगे। ये कांवड़ का रश है ना बहुत ज़्यादा है उस तरफ हरिद्वार। तो मैं तो 15 तारीख तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और बिल्कुल भी दिमाग से नहीं आया कि 15 तारीख के बाद बुला लेते हैं। अगर कोई मतलब फंस जाए या कुछ आफत आ जाए तो इतना ज़्यादा कांवड़ का जाम है ना, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि वो एमरजेंसी में आ रहा हो, कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई हो किसी को, तो ऐसी वो होनी चाहिए कि जहाँ से आम आदमियों को भी असुविधा ना हो और वो आ सके आराम से। अब सोचिए सुबह 8 बजे चले हुए बुज़ुर्ग हैं और अभी तक 6:15 बजे तक नहीं पहुँचे हैं। मैंने दिया फिर दिया अब क्लास में चली गई है, क्योंकि 6 बजे उसकी क्लास होनी थी, 4 उसकी तो चार दिन की क्लास है मेडिटेशन की। अब देखेंगे कब तक आते हैं वो लोग, जैसे ही आएंगे मिलवाऊंगी आपको। 6:30 बजे 6:30 बजे 6:45 बजे आए हैं और मम्मी और ना, और वो तो प्रीति ने तभी गरम गरम खाना भेजा था रोटियां बना के, तो आते ही भूख लगी। और कह रहे टॉयलेट भी नहीं, वो पानी भी नहीं पिया है सुबह की चाय और पानी। सुबह 8 बजे चले थे, बस में बैठे थे और नाश्ता भी हमने बस में ही करा था, और डर के मारे पानी भी नहीं पिया, डर के मारे पानी पिया ना, चाय पी के जरा सी चाय पी थी बस। और क्या कह रहे थे बस वाले कह रहे थे अगर आगे से ऑर्डर आ गया तो मेरठ में भी, अगर आगे से ऑर्डर आ गया तो मेरठ बस होती तो बस खाली करवा लेते हम। मतलब मेरठ भी अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गए तो मेरठ में उतार देते, तो कोई बुजुर्ग हो कोई बीमार हो कहीं तो, मैंने मगर भैया ऐसे कैसे कर दे, हमने तो बुक करवा रखे पहले कई दिन, तो बुकिंग मत करते, या तो बुकिंग ना करनी चाहिए थी तुमने। हाँ। नहीं आंटी आप नहीं समझोगी इस बात को, मगर क्यों मैं पागल हूँ ना समझूंगी वो तो किस्मत अच्छी थी कि वो कह रहे थे हरिद्वार उतारेंगे, हरिद्वार उतारेंगे तो हरिद्वार से बहुत सारी वो यहाँ की सवारी चढ़ गई ऋषिकेश की, और वैसे भी पर रोड खाली कर दिया था रोड। आज के बाद, आज क्या तारीख है, 8 तारीख है ना, 7 है 8 है 8 है आज, तो ये वीडियो पहले डाल दूंगी क्योंकि 8 तारीख शायद डल जाए, और हो सकता है बाद में डले, तो शिवरात्रि तक अब ये रोड बंद हो जाएगी। रोड बंद कर दिया आज के बाद कोई नहीं आना चाहिए, बहुत परेशानी है मेरे से। वो विनीता देखा उत्तम नगर से, विनीता पूछ रही थी कि मैं कल आना चाह रही हूँ, मैंने बोल दिया बिल्कुल मत आओ। 8 बजे से 6:45 बजे हम घर पहुँचे हैं। हाँ
ऋषिकेश पहुंचे 6:30 बजे हाँ। सुबह 8 बजे के चले गए। सावन में तो बिल्कुल नहीं आना हाँ, सावन में नहीं, बहुत बुरा हाल है। मेरे पापा, मैंने ना 1 किलो चाय की पत्ती मंगवा रखी है वो ताजमहल, और हमारे भैया पहले मंगवा ली थी क्योंकि हमारे भैया भी भेजते हैं मुझे करनाल से चाय की पत्ती, उन्होंने भी भेज रखी है, मतलब 2 किलो है शायद, 2 किलो बताइए, दो किलो है। और उसके बाद और पत्ती लिया है, साबुन लेके आए, लड़की के घर का साबुन नहीं यूज़ करना है, और नहाने का साबुन, अपना सर्फ है, आटा चने का, पता नहीं क्या क्या चीज़ लेके आ गए हैं, और घी का पैकेट लेके आते हैं। मेरे पापा ऐसी हरकतें करते हैं। मैंने कहा मेरे घर में सामान पूरा भरा पड़ा है। पिछली बार भी जब मम्मी पापा आए थे ना थोड़े, वो तो एक मामा जी के एक्सपायर हो गए थे, मैं सारा सामान घर में भर के गई थी, मैंने कहा इनको भागना नहीं पड़ेगा। और अभी भी आने से पहले मैंने सारा सामान भरवा लिया है, चावल दाल आपके सामने ही वो सामान आया था, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि क्या कहते हैं, नहीं लड़की के घर का सामान यूज़ नहीं करना। ये देखो मैं कहूँ, मेरा मनी प्लांट, पैसे इतने कहाँ खर्च हो रहे हैं, ये देखो पूरी मनी प्लांट की बेल नीचे जा रखी है और सारे पैसे कभी खर्च हो रहे हैं। कभी किसी में लग रहे हैं का, और ना ये वाले मनी प्लांट है भी वैसा, ये देखो सब नीचे लटक रहे हैं। इसके लिए बड़े बड़े गमले ना मेरे को मंगवाने पड़ेंगे, ताकि बड़े गमले में, अभी बरसात है ना, तो बड़ा गमला मंगवाना पड़ेगा, बहुत बड़ा। पहले तो मैं खुद लेके आने वाली थी, और मम्मी को ये डंडे नहीं मिले, उनको कपड़े सुखाने के लिए ना ऐसे इन डंडों पे ऐसे सुखाने में मज़ा आता है उनको। ये सब लटका हुआ है, तभी ऐसे खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल रेनू आई थी अमरूद तोड़ने के लिए, ये देखो पत्ते कह रही मेरे को तेरा हाथ चला जाएगा, मैंने पेड़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जब से आया उसके बाद काम पे लगे रहे, इधर की तरफ वैसे ध्यान नहीं दिया, बंद रहता है एसी की वजह से। ये कितने मोटे मोटे अमरूद हो रखे हैं, ये देखो अभी मतलब कच्चे हैं, और मनी प्लांट पूरा दीदी के उसमें छा रखा है, मतलब मनी प्लांट अब मैं इतनी दूर से तोड़ के लाने की जरूरत नहीं है, यहीं से तोड़ लूँगी अगर चाहूँगी तो। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई है, पूरी रात बरसा है, एसी भी नहीं चला, थोड़ा सा चलाया था फिर बंद कर दिया। अब हवा चल रही है सामने, पेड़ों से पता लग रहा होगा आपको कि हवा चलनी शुरू होगी, और कबूतर देखो, इसका वसुंधरा का काम अभी फ़िलहाल बंद हो गया है ना, तो कबूतर इतने सारे, वो मतलब काम सॉरी चल रहा है ना यहाँ पे, अब वसुंधरा होटल नहीं चल रहा है अभी 6 महीने के लिए, आप देख पा रहे हैं वहाँ पे कि काम शुरू हो गया है पूरा, इसका वो करेंगे चेंज करेंगे, तो इस वजह से कबूतर फिर से दोबारा से आके बैठने लगे हैं। और ऊपर का मौसम तो आप देख रहे हैं, मैं यहीं से ही इसके आनंद ले लेती हूँ, देखो बादल चल रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं सच में। मम्मी कह रही है वो दे दूँ, वो क्या क्या थे वो, जामुन। मैंने कहा सारे ही, मैंने केले दिए थे, अपने रिश्तेदारों को बुला के ले आया था। हाँ 4-5 बंदर आ गए थे। रिंकू आंटी मम्मी से बोलती थी कि मेरे को पतला होना है, तो वो वाइपर से लगाती थी पहले, अब नानी आ गई थी, नानी से एकदम बैठ के लगा रही है, जब चल रही है झुके एकदम लगा रही, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। बाहर ट्रेनिंग चल रही है। कल रिंकू कह रही थी, मैंने उसको बोला मेरी चाय बना दे बिना मीठे की, तो कह रही आप तो बिना मीठे की पी रहे हो, मैं मीठे की पीऊँ, मैंने कहा तो पीती नहीं है, मैं तो बिना मीठे की फीकी पीती हूँ, तो कह रही मैं पतली होना चाहती हूँ और वाइपर से पोछा लगाती हूँ, तो आज मैं, मेरे को सडनली आवाज़ आ गई था, उसकी पूरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। पहले मम्मी उसके लिए सबके लिए तो अंगूठी वो लाई है, उसको चेन भी दी है, पहले चेन पूरा उसको सजा सजा के तैयार किया गया, फिर उसकी रिमांड ली जा रही है। पर रिंकू मस्त बोला, उसके शरीर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मेरा पैर ऐसे टाइम पे टूटा हुआ है कि जो ऐसे भी कहीं नहीं जा पाते, थोड़ी बहुत गंगा जी देखो जा रही थी और कंटिन्यू, मतलब बारिश रुक नहीं रही है, लगातार बारिश हो रही है, मैं बिना माइक के आ रही हूँ और मुझे जोर जोर से बोलना पड़ रहा है। देखो खा पी के सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, फिर उठ के आ जाते हैं, अब धुलाई अच्छे से, हम जब 18 में शिफ्ट हुए थे तब ऐसी बारिश थी, और अब 23 में है तब ऐसी बारिश है, पूरे सावन लगातार बरसा था, लगातार बरसा था उस टाइम पर भी,
और अब भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब जब से सावन लगा है लगातार बढ़ से जा रहा है। पूरा महीने चली थी बारिश उसमें, तो हमें यहाँ से पैर ही पैर नज़र आते थे, अभी भी देख लो लोग रेनकोट में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बस इसमें एक फ़ायदा होगा कि जो घाट पे सो रहे थे ना, वो घाट पे सोते हुए नज़र नहीं आएंगे और घाट साफ रहेंगे। नहीं तो ओपन में टॉयलेट और ओपन में सुसु पोटी करते थे ना सारे, बहुत गंदी बदबू आती थी। इतने सुंदर सुंदर घाट जो अभी G20 में हुए थे सब सड़ जाते वो। ये देखो आज ये हम लोग हमारे इधर आ रहे हैं और पता है वो DJ तो अभी बंद करवा दिया गया, चलो कोई बात नहीं पानी भर के ला रहे कोई, लेकिन इतने बड़े बड़े DJ बजा रहे हैं ये लोग, इनको ये पता है कि सोसाइटी है। ये देखो आपको आवाज़ आ रही है, आगे वाले बज रहे हैं। मैं लोगों से आग्रह करती हूँ अगर अच्छी चीज़ दिख, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा काम है, लेकिन सोसाइटी के बीच में है आपको हमेशा दो पहलू होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, दोनों को दिखाना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा अच्छा दिखाओ। कई लोग बोलते हैं भाभी जी आप ना कड़वा बोल जाती हो, देखो आप किसी की तबीयत ख़राब है किसी का कुछ है, तो मैं मेरी जैसी तो सहन कर जाएगी, लेकिन और बुज़ुर्ग लोग हैं इतने, आप कमर्शियल एरिया के बीच में इतना टैग चला रहे हो। देखो देखो ये भक्ति और आस्था नहीं होती है इस तरीके से ना, कि DJ और डेक पे इतने चलाना और लोगों को परेशान करना। आज मेरा भी फास्ट है लेकिन चलो हम तो वो कर लेंगे। इस तरीके से भक्ति नहीं होती कि आप डेक और वो चला के आप दूसरों को परेशान करो। आप वो देखो वो जितना बड़ा टेम्पल है उसके ऊपर उतने बड़े DJ लगा के रख रखे हैं, उतना DJ आप देखो, और ये DJ इतनी तेज बज रहा था, इतनी तेज बज रहा था, ये तो कुछ भी नहीं बज रहा। बाहर इतनी बारिश आ रही है और आज ऐसी लात पड़ेगी ना, ये मेरे पैर का मजाक उड़ा रही है। क्या कह रही थी, आज मुझे लाइव आना है तो ये फास्ट है तो लाइव आना है, तो क्या बोल रही थी लाइव कैसे आना, कैसे फोटो खींच, कैसे फोटो नहीं अभी जो एक्टिंग करी थी, जो एक्टिंग करी थी वो करके दिखा, हाथ जोड़कर एक पैर ऊपर कर रखा था इसने ऐसे कहना कि नमस्ते जी मेरा पैर देख लो टूटा, स्वस्थ होंगे मस्त होंगे बच्चे बच्चे और कह रही है दूसरा पैर और तोड़ दूँ। आजकल इतने लोगों की टांग, इसका भी अंगूठा मुड़ा है बारिश में, जूते पहन के जाना चाहिए। और वो हमारे मनोज भैया उनकी भी टांग टूटी हुई है, सेम मेरे वाली सेम मेरे उस पर हुआ उनका है। और अभी वो राजन भैया आए थे वो मिलके नहीं गए, घर जाके उनकी भी टांग टूट गई और सेम मेरे वो यही वाली टूटी है। अभी एक आदमी मिलने के आया वो बाहर खड़ा था बारिश में है, वो बोल रहा मैंने मेरे को क्या पता आप कोई कैसा, मैंने कहा मम्मी पापा हैं चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा आप आ सकते हैं, नो नहीं आऊँगा नहीं, दूर से देख लूँ इधर से दूर से है, तो मैं इधर चली गई। मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है चलो बाहर से मिल रहे बात कर लेंगे बालकनी से, मेरे को शर्म आ रही है बारिश आ रही है बारिश आ रही है। फिर हाँ फिर मैंने कहा अच्छा भाई साहब ठीक है आपकी वाइफ को लेके आ जाना, अच्छा रुक जाओ 2 मिनट देख लूँ आपको जी भर के। तो मम्मी हंस रही है मेरी कितनी दा, अब मेरे को ना कुछ फीलिंग आ रही थी दूर से जब वो बात इस तरीके से कर रहा था, ड्रिंक कर रखी उसने, अभी मैसेज कर रहा है कि वो मैंने दिया का बहाना बना दिया क्योंकि मैं दवाई खा के लेट गई है, और वैसे भी नींद तो आएगी, नींद आएगी अभी दवाई दोबारा ली है दूसरी वाली दवाई ली है ना, तो अभी मैसेज कर रहा है मैं आ जाऊँ ऊपर, मैंने बोला नहीं तो वो कर रहा है, फिर लव सेंडिंग लव ऐसे भेज, मतलब वो ड्रिंक करके फिर गाड़ी में बैठा हुआ है कैब करके आया है और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बताओ उसने भी देसी स्टाइल देखा नहीं हमारा दिया है, लट बजा दे कह रही लट बजा। एक ये मेरे मम्मी पापा की प्रॉब्लम है, इतना घटिया ये बटन वाला फ़ोन ले रखा है, अब वो भाई वो बोल भी रहा था फ़ोन लाऊं तो कह रही है बटन वाला लेके आई हो हैं, बटन वाला फ़ोन ले रखा फिर इससे कभी इसमें यूट्यूब उड़ जा, इसमें यूट्यूब देखती दिखाइए देश की स्क्रीन दिखा, देश की स्क्रीन दिखा, ये देखो ये स्क्रीन है इसमें क्या यूट्यूब दिखा जाएगा, और दिया उसमें से चेक कर करके देख रही है, फिर इसका क्या क्या गायब हो जाता है, फिर इसका कल क्या गायब हो गया था, एरोप्लेन मोड पे लग गया, वो जियो का छोटे वाला टूटू वाला फोन है, कुछ दब जाता है सारी, कल भी पूरी रात यही समस्या रही थी, अब फिर यही समस्या। भजन आ रहा है तो भजन तो दूसरा वाला ले लो, मैं जब कह रही हूँ मैं कह रही हूँ मैं दूसरा दिलवा दूँ, भजन भी है, मैं बोल रही हूँ 5-6 हजार का मैं दिलवा दूंगी, नहीं ना छोड़ के
चोरी का भी नहीं लेना है ना, चोरी का भी ना लेना ना किसी का भी ना लेना, मैंने ये अच्छा लगे दिया लग रही है ना, दिया कर रही है ठीक, अच्छा दिया मैं भी आ जाएगा ठीक करना हमारे में नेट वो लगा हुआ है ना, इंटरनेट है वो, इसमें पुराना केबल चलता है तो केबल वाला अच्छा लगता है। प्रोजेक्ट फेल हो गया है और मैं ना बारिश दिखा रही हूँ बाहर, ये देखो कल तो ऐसा तूफान दिखा रखा था, थंडरस्टॉर्म ना, बाप रे ये देखो, अरे ये तो शुक्र है। अरे वो आदमी ना ये साइड ये जो कैब है इसी में बैठा हुआ पहली वाली कैब में और मैसेज किए जा रहा है, और ये देखो थंडरस्टॉर्म है ये पूरा, बाप रे बाप कितना खतरनाक है। मैंने भी रेनू को बुलाया, मैंने कहा चल रेनू आ जा, दोनों बोर होते हैं, तुमको बोर हो रही है खाने खाने का, दीदी का फोन आया था, दीदी मैं बोर हो रही हूँ भगवान जी ने ना मेरे को बिठाया और उस पर इतनी बारिश कर दी कि सबको घर में बिठा दिया, पूरी पब्लिक को घर में बिठा दिया। मैं नीचे जाके नहीं दिखा रही क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लोग फिसल रहे हैं, तो यहाँ से आप गंगा जी देखो। ये बाइक्स को देखकर ही पता लगा लो मैंने इस वाले रास्ते से आ रही, क्योंकि हमारे घर के वहाँ पर रास्ते से ना बंदर बहुत सारे आ रहे हैं।